Thank you. You're so good. This is the first time I have actually been pranked. एकदम ऐसा original वाला. तो मिलो इनसे, ये है अनीक्षा दीक्षित और ये यूट्यूब पे खा मखा है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके चैनल पे कंटेंट को छोड़कर सब कुछ मिलेगा। और एक टाइम था जब यूट्यूबर्स प्रैंक के नाम पे लोगों के गांव में डंडा कर दिया करते थे, और हाँ अभी भी करते हैं। पर अभी कुछ नया टाइप का प्रैंक आया है जिसमें इन जैसे लोग बड़े यूट्यूबर्स को कॉल करके प्रैंक करते हैं, और हाँ हम उसे प्रैंक बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लोग कॉल करके ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिससे बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है जो सामने वाले बंदों के लिए बहुत गलत होगा। सो बेसिकली मैडम ने ट्रिगर इंसान को कॉल किया जिसमें ये मैडम हमारे थारा भाई जोगेंद्र की मैनेजर बनी थी, और ये ट्रिगर इंसान को पुलिस लॉयर की धमकी दे रही थी। अब यहाँ तक तो ठीक था, पर ट्रिगर इंसान की बात सुनने के बाद बहुत सीरियस हो गया था और उसने इनको कुछ बातें कही और फोन काट दिया। ये देखो। So yeah, I basically am calling because my client has filed a police and defamation case under the section Indian Penal Code 499 because आपने publicly मेरे client के reputation को खराब किया है। और वो जो मेरे को जान की धमकियां दे रहा है, if I go to the court and I file a police complaint, I guess 50 lakh का मेरे को 5 करोड़ ही मिलेगा फिर तो। देखिए, अब online वो तो आपने शुरू किया है। Talk to my lawyer, okay, bad है। No, excuse me, Mr. Nischay. खत्म। तो भाई अब यहाँ क्या तुमको पता है कि यहाँ पे कितना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। इन मैडम ने तो प्रैंक कर दिया व्यूज लेने के लिए, लेकिन सोचो अगर ट्रिगर इंसान ने डायरेक्ट केस कर दिया थारा पे जोगिंदर पे तब क्या होगा। तब ना इन मैडम का प्रैंक काम आएगा और ना ही इनकी सॉरी। और ये क्या बकचोदी हो रही है किसी को कॉल करके इतने सीरियस इशू पे प्रैंक करना। अरे भाई हमको पता है तुम्हारे पास इनका नंबर है, दिखाने की जरूरत नहीं है जनता को। पर ये कहो जब इन मैडम ने ट्रिगर इंसान को कॉल बैक किया तो उसने कॉल उठा लिया था, अगर नहीं उठाता तो लग जाते लौड़े। कॉल बैक करती हूँ। हेलो मिस्टर मल्हान, सी वी जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड एक्सप्लेनिंग यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अब ऐसे ही बकचोदी हो गए कि गांड फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। ये मैडम की एक्टिंग देख के ऐसा लग रहा है कि ये शाहरुख खान से बात कर रही है। एक बार तुम भी इनकी स्टार्टिंग वाली वीडियो देखो। अरे मैडम या तो नाखून ही चबा लो या फिर उनको कॉल ही कर लो, इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है भाई। हेलो हेलो, हाय आई एम स्पीकिंग टू मिस्टर निश्चय मल्हान। हाँ पहले तुम ये कर लो। नहीं नहीं तुम कर लो, हम तो चूतिया हैं। नहीं शायद बड़े लोगों के घर में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम डायरेक्ट कॉल करते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं तेरा बाप बोल रहा हूँ मादर। अबे यार इतना एक्साइटमेंट क्यों? क्यों भाई मुझे कोई बताएगा? वो भी एक यूट्यूबर है हमारी तरह, बस फर्क इतना है कि उसके 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे 50 मिलियन। कोई तरीका है भीख मांगने का? वैसे थारा भाई जोगिंदर का एक और डिस्ट्रैक्ट आने वाला है 2 दिसंबर को, ये देखो। आ जाओ, पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री को बदल डालूंगा मैं। बताता हूँ तुम लोग क्यों कहते हैं यार डिस्ट्रैक्ट लाने की, मैं बताऊंगा डिस्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं। 2 दिसंबर को थारा भाई जोगिंदर पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री को बदल डालेगा। आजा लाला सामग्री धमाका, थारा भाई जोगिंदर न्यू डिस्ट्रैक्ट 2 दिसंबर। देखो भाई ये बंदा बॉटम आर्मी है, मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, पर ये बंदा अब यूट्यूब से बॉलीवुड पे शिफ्ट हो गया है और बॉलीवुड वालों की गांड फटी पड़ी है, स्पेशली हमारे अर्जुन कपूर की। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पर अभी आते हैं टॉपिक पे। If you are actually serious with this, then you will have to talk to my lawyer because if I made 2 videos on that guy made 55 videos on me. I can count down each video that he has made on me and in every video he has literally threatened to beat me up. देखो भाई अब यहाँ ट्रिगर इंसान बहुत सीरियस हो चुका है और वो यही कह रहा है कि थारा भाई जोगिंदर पे मैंने 2 वीडियो बनाई थी तो उसने मेरे ऊपर 55 वीडियो बनाई है, और हाँ उसने अपने डिस्ट्रैक्ट में मुझे मारने की भी धमकी दी थी, टांगे तोड़ने की धमकी दी थी। तो तुम देख रहे हो कि बात कितना सीरियस होते जा रहा है, और ये मैडम को मजाक सूझ रहा है। अरे भाई ऐसी बातों को शेयर करना इज नॉट अ प्रैंक, और तुम्हारी इस हरकत से मुझे तुम्हारी मानसिकता का पता चल रहा है। तुम व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हो। जस्ट वन लास्ट थिंग मिस्टर मल्हान बिफोर यू पुट डाउन द फोन, आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दैट हाउ कैन यू कॉल माय क्लाइंट खच्चर, व्हाट गिव्स यू दैट राइट टू कॉल हिम दैट। अबे यार ये मैडम पिछले जन्म में ऑस्ट्रेलिया की कंगारू थी क्या? क्योंकि इनकी ये हरकत कुछ ज्यादा ही बचकानी लग रही है। अब मुझे नहीं पता कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर तुम्हें भी, पर अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। See, but he was just... Your client can threaten to beat me up. Your client can threaten to enter my home and beat me up. Your client can threaten to, get his hockey bag so that he can break my legs in his song, that diss track that he wrote on me. And you are telling me I can't even call him Khachar. Oh, that's... See... That is...
सो यू नो राइट ऑफ यू। देखो मैडम आप सीसी करती रह जाएंगे और ट्रिगर इंजन आपका पूरा खेत सूख जाएगा। मींस कि आप देखो देखो कहते रह जाएंगे और निश्चय भाई जोगिंदर को बेल भी देंगे। और मुझे ये नहीं पता कि अगर जोगिंदर आपकी वीडियो देखता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, पर इतना जरूर पता है कि वो फिर से ट्रिगर इंजन पे 55 वीडियो बना देगा। और मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। बट एनीवे तो ऐसा प्रैंक करके अपने आप को तीस मान खान ना समझे और ना ही हमको ये बताया कि आपके पास बड़े बड़े यूट्यूबर का फोन नंबर है। देखो गाइस किसी को ऐसे कॉल करके प्रैंक का नाम देना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है और किसी को कॉल को ऐसे लीक करना मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं है। अब तुम्हारा क्या सोचना है इस चीज पे तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो मजदूरी में। तो हां थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय।